हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी जेई नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज हम लोग डीपीपी 12 का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डीपीपी 12 पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 sin 45 डिग्री प्लस ए कॉस 45 डिग्री प्लस ए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, पता ही होगा, मैंने बोला था कि इसमें जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो जनरली एसएलओनी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एसएलओनी में क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसएलओनी कर नहीं पा रहे, तो उन क्वेश्चंस में से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं हर एक्सरसाइज के मैं अच्छे क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ और उनको डीपीपी में सॉल्व करा रहा हूँ। तो डीपीपी आप रेगुलर सॉल्व करते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एसएलओनी। बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए एसएलओनी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप फटाफट से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स को। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक तो करना ही करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड से इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है उस पर फोकस करो। 2 sin a cos b लिखा हुआ है, तो 2 sin a cos b लिखा हुआ तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a + b प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी इसमें अप्लाई कर दो। साइन ए प्लस बी अगर अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा 45 45, 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों को पता होगा ही। तो इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ, इसको अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूँ, इसको अगर मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस बी आ गया प्लस साइन ए माइनस बी आ गया। तो जो LHS में लिखा वो क्लियर हो गया, ठीक है। LHS में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, वो जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, LHS पिक करेंगे। LHS उठा लेके यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है, सब लोगों को पता होगा ही। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin c + d/2। क्या आ जाएगा, 2 sin c + d/2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई टू, यानी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा इंटू साइन, इंटू क्या आएगा भाई, इंटू साइन d - c/2 आता है यहाँ पर, इंटू साइन d - c/2 आएगा। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ माइनस ए आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ माइनस ए। डिनोमिनेटर में आ जाइए, साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा साइन ए प्लस, यहाँ पर इसको वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी अगर अप्लाई करते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगेन 2 sin c + d/2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई टू, तो 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा साइन d - c/2, तो यहाँ में सी माइनस होगा तो यहाँ पर साइन a आ जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में अगेन साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin cos आएगा, तो 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होता तो यहाँ का माइनस बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ इसकी जगह, ठीक है, उससे उसको कैंसिल कर दो। चाहो तो कैंसिल मत भी करो, उसको एज इट इज लिख दो नेक्स्ट टर्म में, ठीक है, ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं हो हमारे को। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, साइन माइनस ए है, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन 2a अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस 2a, उधर हमारे को क्या मिलेगा, साइन 3a अपॉन कॉस 3a, ठीक है, वो हमारे को चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा होगा कि वो अगर हमारे को टर्म चाहिए तो दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते ही तुरंत ये सॉल्व होना चाहिए, तो एलसीएम में आ जाएगा कॉस 2a कॉस 3a, यहाँ पर पहले इस पॉजिटिव वाली टर्म को लिख देंगे, साइन 3a कॉस 2a माइनस साइन 2a कॉस
cos 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 3a ऐसा कुछ मिल जाएगा. बस न्यूमरेटर में फार्मूला लगा दो sin a minus b का, तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड जेई 2009 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था. तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार पूछा भी जाता है, जेई मेन में तो दो तीन बार आ चुका है. तो इसके ऊपर बेस्ड अगर हमारे को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में सारी टर्म 10 की टर्म में लिखी हुई है, राइट साइड में कॉस लिखा हुआ. तो पहला काम हमारे को क्या करना है, सारी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है. तो सारी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, साइन तो यहां पर आ जाएगा साइन 5 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में मिलेगा कॉस 5 थीटा, फिर यहां पर मिलेगा साइन 3 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस 3 थीटा, डिनोमिनेटर में ये लिख देंगे तो साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस यहां पर है साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा. एलसीएम अगर लेंगे तो न्यूमरेटर में जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर आएगा, यहां पर जो डिनोमिनेटर मिलेगा, यहां पर जो डिनोमिनेटर मिलेगा एलसीएम लेने के बाद में वो सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा. यहां पर हमारी को क्या मिल जाएगा, यहां पे मिलेगा sin 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा cos 5 थीटा. बिल्कुल इजी है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा वो यहां पे जो डिनोमिनेटर मिलेगा उससे सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा. यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा sin 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस यहां पर क्या मिल जाएगा भाई sin 3 थीटा cos 5 थीटा. ध्यान से अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला, sin a cos b cos a sin b, यहां पर है sin a cos b minus cos a sin b. तो यहां पर हमारे को मिल जाएगा sin 8 थीटा आ जाएगा sin 8 थीटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में a minus b तो यहां पर आ जाएगा sin 2 थीटा. अब न्यूमरेटर में sin 2 थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, sin 2 थीटा वाला या sin 2a अगर मैं बोल दूं तो sin 2a का जो फार्मूला होता है 2 sin a cos a, ये हम अप्लाई करेंगे. इसको अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा, इसको एज इट इज रहने दो. अगेन यहां पर वही सेम फार्मूला 2 sin a cos a वाला अप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा sin 2a cos 2a, सॉरी a नहीं है थीटा यहां पे, तो यहां पर आ जाएगा 2 थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin 2 थीटा, इससे ये कैंसिल तो RHS हमारे को दिखी गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, sin उसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड cos c plus cos d के, लेकिन यहां पे हमारे को ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि कौन-कौन सी टर्म में अप्लाई करना है. भाई फार्मूले हमारे को सारे आते हैं, इन जनरल हमारे को सारे फार्मूले रट जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं क्लिक होता कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है. ठीक है, तो यहां पर हम cos c plus cos d का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन कौन-कौन सी टर्म में, इन दोनों में करेंगे और इन दोनों में करेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें cos c plus cos d लगाएंगे, c plus d by 2 कितना आ जाएगा 5 थीटा जो लिखा हुआ, तो वो कॉमन आके कैंसिल होने के चांसेस रहेंगे. तो यहां पर इन दोनों टर्म में cos c plus cos d लगाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 2 थीटा, minus 2 थीटा आएगा, लेकिन वो minus थीटा minus cos में कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, यानी cos minus थीटा बेसिकली क्या होता है, cos थीटा ही होता है, प्लस का 2 cos 5 थीटा आ जाएगा. यही काम नीचे करेंगे तो 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 minus 2 थीटा आएगा, लेकिन cos minus थीटा वही होता है तो उसकी हमारे को टेंशन नहीं करना, 3 थीटा आ जाएगा. नाउ यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 cos 5 थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो cos 2 थीटा plus 1 डिनोमिनेटर पे आ जाओ, 2 cos 3 थीटा कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2 cos 3 थीटा, तो यहां पे आ जाएगा cos 2 थीटा plus 1, इससे ये कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा. भाई ध्यान रखना बॉड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे लोनी की जो डीपीपीस में करवा रहा हूं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जल्दी ही मैं कोटा के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, अच्छी-अच्छी जो कोचिंग्स है, उनके ऊपर बेस्ड डीपीपी की अलग से सीरीज लेके आने वाला हूं. ठीक है, तो यहां पर cos 5 थीटा, cos 5 थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, cos 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा plus 2 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में cos 3 थीटा, बस यहां पर फार्मूला लगा दो cos a + b का,
तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos 3 theta, cos 2 theta minus sin 3 theta और sin 2 theta आ जाएगा upon denominator में cos 3 theta. बस इसको simplify करो अलग अलग split करके, तुरंत एक step में answer आ जाएगा. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें बस मैं हिंट देके आगे बढ़ रहा हूं. हमारे को फार्मूला लगाना है sin c plus sin d का. कौन सा फार्मूला लगाना है? sin c plus sin d का फार्मूला लगाना है, लेकिन लगाना है कौन-कौन सी टर्म्स में वो ध्यान से देख लो. तो sin c plus sin d का इन दोनों में लगाओ और इन दोनों में लगाओ, वही काम डिनोमिनेटर में करेंगे. इन दोनों में cos c plus cos d और इन दोनों में भी फार्मूला अप्लाई कर दो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बस हमारे को पता होना चाहिए कब फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, किस जगह फार्मूला लगाना है, ठीक है. तो यहां पर एक स्टेप में इसको सॉल्व करके बता देता हूं. sin c plus sin d लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos c minus d by 2 minus 3a आएगा, लेकिन cos में minus का कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां पर भी लगाएंगे sin c plus sin d, तो 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, यहां पर minus a आएगा, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. cos c plus cos d लगाओ, तो 2 cos c plus d by 2 into क्या आ जाएगा, cos c minus d by 2 cos 3a आ जाएगा, plus 2 cos, यहां पर क्या आ जाएगा, cos c plus cos d लगाएंगे तो 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 minus a आ जाएगा, ठीक है. तुरंत कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 sin 4a कॉमन आ जाएगा, cos 3a plus cos a आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 cos 4a कॉमन आ जाएगा, cos 3a plus cos a आ जाएगा. इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसका सिर्फ मैं हिंट देके आगे बढ़ूंगा. इन दोनों टर्म में फार्मूला लगा दो sin c plus sin d का, एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसको भी मैं सिर्फ हिंट देके आगे बढ़ूंगा. इसमें भी हमारे को क्या काम करना है, इन दोनों में sin c plus sin d लगाओ, इन दोनों में sin c plus sin d लगाओ, तुरंत वन स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है. आखिरी क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, sin c plus sin d हमारे को लगाना है. लगाना किस-किस में वो इंपॉर्टेंट है. तो ये अब तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कब किस किस में sin c plus sin d लगाना. तो इन दोनों में sin c plus sin d लगा दो, इन दोनों में sin c plus sin d लगा दो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो मैं लगा के बता देता हूं, इन दोनों में sin c plus sin d लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin c plus d by 2 यानी sin 3a हो जाएगा, into cos c minus d by 2 तो cos 2a आ जाएगा. अब इन दोनों में अगर लगाएं तो 2 sin c plus d by 2 sin 3a आ जाएगा into cos c minus d by 2 cos a आ जाएगा. यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 sin 3a कॉमन ले सकते हैं, यहां पर क्या रह जाएगा, cos 2a plus cos a रह जाएगा. अब इसमें cos c plus cos d लगाओ, वन हिट में आंसर आ जाएगा. तो 2 sin 3a यहां पर आ जाएगा, 2 cos c plus d by 2 cos 3a by 2 into cos c minus d by 2 cos a by 2 बराबर RHS hands road, ठीक है दोस्तों. तो ये DPP 12 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोगों ने इसमें कवर करे हैं. होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा. इसको यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं बोलना है, लाइक तो करना ही करना है, उसके लिए तो बोलने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए. ये आपका धर्म बनता है, ठीक है, आपका कर्तव्य बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो कि सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं उनके उनको अपडेट मिलता रहे. एंड भूलना मत, मैं एक बहुत जल्दी सेशन लेके आ रहा हूं अगले 2-3 दिन के अंदर. कौन सा सेशन लेके आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो तरीके हैं कि मैथमेटिक्स किस तरीके से हमारे को पढ़ना चाहिए जिससे अच्छे-अच्छे से मार्क मिले, उसको देखना बिल्कुल नहीं भूले. सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा बाय-बाय, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय.